गंगा यमुना सरस्वती, ये तीन नदियों के नाम हैं जिसमें हम लोग दो देखते हैं, गंगा देख रहे हैं, यमुना को हमने नाला बना दिया है पर दिखाई देता है, सरस्वती दिखाई नहीं देती। तो ये नदी कहाँ पे है, किस तरीके से है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो है ना मतभेद है इसको लेके। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसी जो है नदी कोई है ही नहीं, और कुछ लोग कहते हैं कि ऐसी नदी थी। हालांकि आज अगर सेटेलाइट से आप देखते हो तो आपको लगता है कि हाँ, जहाँ पे सरस्वती बहती थी वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रवाह रहा होगा नदी का। और ऐसा बहुत सारे हमारे ग्रंथों में, किताबों में भी लिखा हुआ है कि सरस्वती नदी कहाँ पे बहती थी, किस तरीके से बहती थी, और कैसा जो है वो रूप दिखाई देता था, और कहाँ तक जाती थी। ऐसा ही आज एक वीडियो मिला है जिसको हम लोग डिटेल्स में देखते हैं, और फिर वीडियो के लास्ट में बात करते हैं। आप लोग भी अपना जो राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सन 2000 से लेकर आज 2023 तक राज्यसभा में कई मेंबर्स ने अपने समय के जल संसाधन मंत्रियों से समय समय पर सरस्वती नदी के प्रमाण और उसके पुनरुत्थान के विषय में प्रश्न किए हैं। लेकिन सन 2000 के पहले ऑलमोस्ट सभी मेनस्ट्रीम हिस्टोरियंस सरस्वती नदी को एक मैथोलॉजिकल नदी मानते थे। अब राज्यसभा में ये जितने भी प्रश्न किए गए हैं, इनका जल संसाधन मिनिस्ट्री ने समय समय पर अपना जवाब दिया है और कभी भी सरस्वती नदी के अस्तित्व को डिनाई नहीं किया है। और अगर आप इन क्वेरीज पर मिनिस्ट्री के आंसर्स की डॉक्यूमेंटेड कॉपीज देखें तो जब 2016 में श्री विश्वंभर प्रसाद निषाद जी ने पूछा कि क्या सच में कोई वैज्ञानिक आधार है जिससे प्रूफ हो जाए कि वैदिक सरस्वती नदी हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से गुजरती थी, तो उसमें मिनिस्ट्री ने बताया कि उन्होंने एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया था जिसने इसरो द्वारा उपलब्ध कराए गए पेलियो चैनल्स यानी कि रिवर फुटप्रिंट्स पर जो कुछ भी डेटा थे उसको रिव्यू किया। और उस कमेटी ने रिमोट सेंसिंग, जियोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के आधार पर एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट दिया है कि एक बहुत ही बड़ी नदी हिमालय में जन्म लेकर घग्गर हाकरा के रास्ते रणखस तक बहती थी। ऐसी ही एक क्वेरी जब 2020 में की गई तो वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री ने यह बताया कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई, रीजनल रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर जोधपुर और फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद के साथ मिलकर सरस्वती नदी के रास्ते पर रिसर्च कर रहे हैं। और फिर 2021 में भी इस स्टडी में प्रोग्रेस को लेकर सरकार से राज्यसभा के कई मेंबर्स ने क्वेरीज की है। अब दोस्तों प्रश्न ये उठता है कि आखिर सरस्वती नदी में ऐसा क्या है जो उसके अस्तित्व के विषय में लोग लगातार प्रश्न किए जा रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो वेदों में सरस्वती नदी के अलावा कम से कम 20 और नदियों का वर्णन है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 35 में स्वागत है। दोस्तों आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि सरस्वती नदी हिंदुओं के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और क्यों इस नदी के इतिहास को लेकर विवाद होता रहा है, और जो सरस्वती नदी हमारे दिल और दिमाग में बचपन से ही गंगा यमुना सरस्वती के संगम के रूप में विद्यमान है, आखिर वो कहाँ चली गई, या वो सिर्फ एक काल्पनिक नदी के रूप में वेदों में लिखी गई है। तो दोस्तों बिना किसी विलंब के आज के विश्लेषण को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अगर सरस्वती नदी का इतिहास प्रूफ हो जाता है तो उससे क्या होने वाला है, और क्यों कुछ हिस्टोरियंस इतने सबूत होने के बावजूद भी सरस्वती नदी के इतिहास को एक प्योर मैथोलॉजी बताने पर तुले हुए हैं। दोस्तों कारण ये है कि सरस्वती नदी आर्यन इन्वेजन थ्योरी के आड़े आती है। सरस्वती नदी जिस रूप में ऋग्वेद में वर्णित है उससे आर्यन इन्वेजन थ्योरी कमजोर हो जाती है, और ये वामपंथी हिस्टोरियंस नहीं चाहते हैं। जैसे कि जो आज के मेन स्ट्रीम हिस्टोरियंस हैं, ये मानते हैं कि भारत में आर्यों के आने के बाद वैदिक सभ्यता या वैदिक कल्चर 1500 BC से लेकर 500 BC तक में डेवलप हुआ है, यानी कि जो हिंदुओं का इतिहास है वैदिक इतिहास वो ले देके 3000 वर्ष पुराना है, ऐसा ये मानते हैं। और इन्हीं इतिहासकारों के अनुसार जो भारतवर्ष का इतिहास है वो 5 से 6 हजार वर्षों तक ही पुराना है, और बहुत कुछ एक्सट्रीम हो गया तो ये 10,000 BC तक जा सकते हैं, उससे पहले तो ये जाते ही नहीं है, उससे पहले ये डिक्लेयर कर देते हैं कि उस समय आइस एज थी। अब जो आइस एज 500 मिलियन सालों तक रही है वो आइस एज इनके हिसाब से आज से 10 से 12 हजार साल पहले सारी की सारी आइस पिघल गई, और उसके बाद जो 10 से 12 हजार साल का समय रहा है इसमें दुनिया की सारी जो सिविलाइजेशंस हैं वो पनपी हैं। तो फिर अंटार्कटिका की बर्फ क्यों नहीं पिघल गई, क्योंकि ये जियोलॉजिकल इवेंट्स हैं, इनमें टेम्परेचर वेरिएशन में टाइम लगता है, ये सब चीजें होने में थाउजेंड्स ऑफ इयर्स लग जाते हैं, ऐसा नहीं कि 1000-2000 साल में ये सब हो जाता है। तो 10,000 BC से पहले भी बर्फ थी, लेकिन इतनी बर्फ नहीं थी कि पूरी की पूरी पृथ्वी ढकी हुई थी। दोस्तों जियोलॉजी में इस पीरियड को आइस एज का जो लास्ट पीरियड है, जो आज से 10,000, 12,000, 15,000 BC का पीरियड है, इसको लास्ट ग्लेशियल पीरियड कहते थे। और इस पीरियड में जो आपका यूरोप है, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा यूरोप, खासकर जो नॉर्थ की स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, ब्रिटेन हो गया, पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ था। नॉर्थ अमेरिका भी पूरी की पूरी बर्फ से ढकी हुई थी। ऐसे में जो इक्वेटर के पास कंट्रीज थे, खासकर जैसे भारत हुआ, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर था वो इस तरह का टेम्परेचर था कि यहाँ पर जीवन पनप सकता था। इसलिए आप देखिए जितनी भी सिविलाइजेशन हुई है वो इक्वेटर के ही आसपास डेवलप हुई है, चाहे वो इजिप्शियन सभ्यता हो, आपकी मेसोपोटामियन हो, या फिर आप वहां पे चले जाइए मीसो अमेरिकन माया सभ्यता हो, या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, ये सब इक्वेटर के पास ही डेवलप हुई है, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर था वो जीवन के लिए
और मनुष्य के रहन सहन के लिए बहुत ही अनुकूल था। तो 10,000 BC से पहले भारत देश बर्फ से ढका हुआ था, ये एक मिथ फैलाया गया है। ऐसा नहीं कि और ऐसा इसीलिए कि जो बाकी लोग हैं ना यूरोपियन, वो चाहते ही नहीं कि दूसरी सिविलाइजेशन को आपसे ऊपर माने या अपने से जो है ऊपर जाने दे, इसीलिए जो है ये सारी चीजें होता है कि भारत देश की जो हिस्ट्री है वो 10,000 BC पर जाकर खत्म हो जाती है। और ये जो समय है 10,000 BC 12,000 BC का, इसको जैसे कि मैंने बताया कि इसको लास्ट ग्लेशियल पीरियड कहते थे। इस समय ग्लेशियर्स पिघल रहे थे और आप देखें भारत के नॉर्थ में एक हिमालयन रेंज है, तो यहाँ पर ग्लेशियर्स के पिघलने से बहुत बड़ी बड़ी विशाल नदियों ने जन्म लिया और उसी में से एक नदी थी सरस्वती नदी। और अगर आप सरस्वती नदी का उल्लेख ऋग्वेद में देखें तो वहां पर उनको एक विशाल नदी की तरह प्रस्तुत किया गया है। अगर आप ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 41वें सूक्त के 16वें मंत्र को देखें तो यहाँ पर सरस्वती नदी को अंबितमे बोला गया है, मतलब माताओं में जो सबसे बढ़कर माँ हो। उसके बाद नदी तमे बोला गया है, मतलब कि नदियों में जो सबसे विशाल नदी हो। और देवी तमे बोला गया है, मतलब कि जो देवियों में सबसे बढ़कर देवी हो। अब अगर आप वामपंथी हिस्टोरियंस की मानेंगे तो 1500 BC से लेकर 500 BC में वैदिक सभ्यता थी और उस समय तक तो ये नदी सूख चुकी थी। तो आप ही सोचे क्या सूखी हुई नदी को नदियों में सबसे बड़ी नदी बोला जाएगा। और ऐसा भी नहीं था कि जो वैदिक काल के ऋषि थे उन्होंने और नदियां नहीं देखी थी जिसकी वजह से वो सूखती हुई नदी को इतनी विशाल नदी बता रहे थे। क्योंकि अगर आप ऋग्वेद के 10वें मंडल के 75वें सूक्त को देखें जिसको नदी सूक्त कहा जाता है, तो उसके 5वें मंत्र में 10 से भी ज्यादा नदियों का वर्णन है जो सरस्वती नदी के साथ ही भारत के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में बहती थी। इन नदियों में गंगा, यमुना, सरस्वती, शतुद्री यानी सतलज, परुष्णी यानी रावी, असिकनी यानी चिनाब और इसके साथ मरुद्वृधा जो कि चिनाब की ओर पश्चिम में एक सहायक नदी थी, वितस्ता अर्थात झेलम, सुषोमा अर्थात सोहान और अजिक्या यानी कि व्यास के बारे में बताया गया है। अब इस मंत्र से तीन चीजें स्पष्ट होती हैं। पहला ये कि जो वैदिक काल के ऋषि थे उनको और भी नदियों का ज्ञान था। दूसरा ये कि जितनी भी नदियां यहां पर बताई गई इस मंत्र में उनका अस्तित्व आज भी है, वो आज भी बह रही हैं। तो फिर केवल सरस्वती नदी को एक मैथोलॉजिकल नदी के रूप में इस मंत्र में क्यों डाला जाता, या फिर सारी की सारी नदियां मैथोलॉजिकल होती, तो सरस्वती नदी के मैथोलॉजिकल होने का कोई सेंस बनता नहीं है। और तीसरी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज इस मंत्र में छुपी हुई है जो कि मुझे नीलेश नीलकंठ ओक जी के एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानने को मिला कि जो जितनी भी नदियां दी गई इस मंत्र में वो एक क्रम में दी गई हैं। अगर आप इन नदियों को मानचित्र में दर्शाएं तो ये नदियां ईस्ट से लेकर वेस्ट तक एक क्रम में इस मंत्र में आती हैं, जो न वैदिक काल के ऋषियों के भौगोलिक ज्ञान बल्कि सरस्वती नदी के लोकेशन को भी दर्शाती हैं, यानी कि यमुना और सतलज के बीच में। दोस्तों अब अगर आप ऋग्वेद के ही 6 मंडल के 61वें सूक्त के दूसरे मंत्र को देखेंगे तो वहां पर आपको सरस्वती नदी के प्रवाह यानी कि फ्लो के विषय में समझ में आ जाएगा कि किस आवेग से वो बहती थी। इस मंत्र में कहा गया है कि सरस्वती नदी कमल के तंतु को खोदने के सदृश प्रबल और वेगवान तरंगों के साथ पर्वतों के तटों को तोड़ देती हैं। हम अपनी रक्षा के लिए यज्ञ द्वारा दोनों तटों का विनाश करने वाली सरस्वती देवी की प्रशंसा करते हैं। अब दोस्तों ये सूखती हुई नदी का डिस्क्रिप्शन तो है नहीं, और अगर हम मान भी लें जो आज के इतिहासकारों ने वैदिक सभ्यता के बारे में बताया है कि 1500 BC से 500 BC में थी, तो उस समय कोई नदी इस तरह से चट्टान तोड़कर बह रही थी और 50-60 साल में सूख गई, तो इसका मतलब या तो ऋग्वेद गलत है या फिर जो हमारे हिस्टोरियंस हैं इन्होंने गलत टाइम पीरियड निकाल लिया है। ऋग्वेद के प्रमाण के हिसाब से सरस्वती नदी आज से कम 20,000 से 30,000 साल पहले इस रूप में बहती रही होगी जो 3000 BC में किसी कारणवश सूख गई। अब ये वामपंथी हिस्टोरियंस अगर मान लेंगे तो उनकी आर्यन इन्वेजन थ्योरी और जो हिंदुओं का अल्पकालिक वैदिक इतिहास है वो झूठा साबित हो जाएगा, और इसीलिए इतने सबूतों के सामने भी वो मानने को तैयार नहीं है और अपने प्रोपेगेंडे को फैलाते चले जा रहे हैं। दोस्तों अगर आपको आर्यन इन्वेजन थ्योरी के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कुकू FM पर एक ऑडियो बुक है ट्रुथ बिहाइंड दी आर्यन इन्वेजन थ्योरी, उसको सुने तो आपको समझ में आएगा कि आर्यन कौन थे, नो हॉर्स थ्योरी क्या थी और सरस्वती नदी का क्या रोल रहा है। और दोस्तों कुकू FM पर मेक अ नोट फीचर का को हिस्ट्री नहीं कंटेंट सुन रहे हैं में मिल जाएगा। प्रमाणों को दियो चैनल्स पर एनालिटिकल स्टडीज हुई हैं वो सब आपको मिल जाएंगी, जो भी रिपोर्ट्स हैं वो अवेलेबल हैं, वहां पर आपको आर्कियोलॉजिकल और ड्रिलिंग साइट्स के बारे में भी पता चल जाएगा, सैटेलाइट इमेजेस भी मिल जाएंगी और ओल्ड मैप्स भी मिल जाएंगे। तो मैं दोनों लिंक, पोर्टल की भी लिंक और जो फाइनल रिपोर्ट शेयर की थी इसरो ने उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं, आप वहां जाकर स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों इस स्टडी में ये भी पाया गया है कि जो भी हड़प्पा की इंपॉर्टेंट साइट्स रही हैं, चाहे वो कालीबंगन हो या धोलवीरा लोथल हो या फिर बनावली राखघड़ी हो, ये सभी के सभी सरस्वती नदी के पेलियो चैनल्स के ही आसपास रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि एक सभ्यता सरस्वती नदी के भी आसपास पनपी थी, लेकिन जब धीरे धीरे सरस्वती नदी सूख गई तो ये सभ्यता भी खत्म हो गई या फिर यहाँ के लोग दूसरी जगह पर माइग्रेट कर गए। तो दोस्तों अभी तक हमने जो कुछ भी देखा है, जो कुछ भी पढ़ा है और जो वैज्ञानिक स्टडीज हुई हैं उससे एक निष्कर्ष ये निकलता है कि जो हमारा आइस एज का लास्ट पीरियड था जब
ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हुए तो भारत के उत्तर हिमालय से बहुत ढेर सारी नदियां निकली, बहुत प्रबल नदियां निकली, जिनमें से एक सरस्वती नदी थी। और ये सरस्वती नदी लगभग लगभग कम से कम 1,00,000 साल तक बहती रही और किसी कारणवश आज से 4,000 से 5,000 साल पहले सूख गई। अब दोस्तों, केवल ऐसा नहीं है कि जो नदी का विशाल रूप था या प्रबल रूप था केवल वही हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों में देखने को मिलता है, बल्कि जो नदी के सूखने की प्रक्रिया रही है वो भी हमें सनातन धर्म के जो बाद के ग्रंथ हैं उनमें मिलता है, जिससे ये पता चलता है कि हमारे सनातन ग्रंथों ने बहुत खूबसूरती से इस नदी की क्रोनोलॉजी को संजो के रखा है। जैसे जो हमारे बाद के ग्रंथ हैं तांड्य और जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ, उसमें इस नदी को बताया गया कि ये नदी मरुस्थल में जाके सूख गई। उसके बाद महाभारत में भी जो डिस्क्रिप्शन मिलते हैं उसमें भी ये बताया गया कि ये जो नदी थी सरस्वती नदी, ये मरुस्थल में जाकर विलुप्त हो गई। और हमारे ग्रंथों की ये बातें आज सच साबित हो रही हैं, क्योंकि एक स्टडी में जो कि घग्गर हाकरा नदी पर की गई थी, ये एक सीजनल रिवर है और इस रिवर के पास जो पेलियो चैनल्स हैं जो रेगिस्तान बन चुके हैं, तो इसमें क्या हुआ कि जब इसमें स्टेट ग्राउंड वाटर बोर्ड ने सेंटर के साथ मिलकर इन रेगिस्तानों में 14 बोरवेल लगाए तो वहां से फ्रेश वाटर के सोर्स मिले हैं, जिनकी स्टडी से ये पाया गया है कि ये पानी जो है वो हिमालयन वाटर है। मैंने जो इसरो की फाइनल रिपोर्ट अटैच की है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप 4.4 पर जाकर इस विषय में पढ़ सकते हैं। अब घग्गर हाकरा नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है और फिर ये मानसून पर डिपेंड होने वाली नदी है, तो इसके पेलियो चैनल्स में कहां से हिमालय का पानी आ गया, तो ये संकेत है कि वहां पर धरातल के नीचे सरस्वती नदी के अवशेष आज भी मौजूद हैं। और जब सेडिमेंट्स की स्टडी हुई, मतलब वहां पर पेलियो चैनल्स की जब खुदाई हुई और वहां पर जो रेत मिली, जो पत्थर मिले, जो सेडिमेंट्स मिले, उनकी स्टडी की गई, तो ये पता चला कि वो सेडिमेंट्स हिमालय से ही निकलने वाली नदियों, जैसे आपकी गंगा हो गई, यमुना हो गई या सतलज हो गई, उनके सेडिमेंट से मैच करते हैं। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है, कंक्लूजन निकलता है कि कभी ना कभी सरस्वती नदी उन जगहों से गुजरती थी और जब किसी कारण से वो सूख गई या फिर उनका रास्ता बदल गया तो वहां पर जो सेडिमेंट्स जमा हो गए, तो ये वही सेडिमेंट्स हैं जो हिमालय से निकलने वाली नदियों में मिलते हैं। आपने भी बहुत बड़ा सा सुना होगा कि जो सरस्वती नदी है वो जमीन के अंदर बहती है और ये उसी के बारे में जो है बात हो रही है कि अभी जो है वो धरातल पे तो नहीं है, मतलब ऊपर जो है वो दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो बहुत ही पहले जो है वो सूख चुकी है, लेकिन अभी भी जो उनके अवशेष है, पानी है, वो आपको वाटर जो है वो जैसे जमा रहता है ना जमीन के अंदर, वो पानी जो है वहाँ पर दिखाई देता है। अब दोस्तों, नदी लुप्त कैसे हुई इस पर भी स्टडी की गई है और कुछ मुख्य कारण बताए गए हैं। इसमें यह बताया गया है कि एक समय ऐसा था जब सरस्वती नदी में सतलज और यमुना, ये दोनों नदियां आके मिलती थीं, जिससे ये नदी जो थी और भी विशाल हो जाती थी, लेकिन कुछ समय बाद इस रीजन की टेक्टोनिक प्लेट्स में शिफ्टिंग हुई, जिसकी वजह से यमुना और सतलज, ये दोनों नदियां सरस्वती नदी से अलग हो गई, जिसकी वजह से सरस्वती नदी और कमजोर पड़ती चली गई और फिर मानसून की तीव्रता भी इस रीजन में कम हो गई, जिससे वर्षा भी कम होने लगी और चूंकि ये जो नदी थी सरस्वती नदी, ये मरुस्थल में रही थी, उसकी वजह से ये सूख गई और फिर आज वहां पर केवल कुछ जलाशय ही बचे हुए हैं। अब दोस्तों, हरियाणा सरकार ने सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करके धरातल पर लाने की एक मुहिम छेड़ी है। 14 मार्च 2022 को जल शक्ति मंत्रालय ने अपनी प्रेस इंफॉर्मेशन के माध्यम से सरस्वती नदी के रिवाइवल प्रोजेक्ट के बारे में बताया था, जिससे हरियाणा सरकार न केवल सरस्वती हेरिटेज को डेवलप करेगी बल्कि सूखाग्रस्त जो क्षेत्र है वहां पर पीने का पानी और सिंचाई के पानी की व्यवस्था भी करेगी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस एपिसोड के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि सरस्वती नदी का इतिहास हिंदुओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों कुछ इतिहासकार इसे दबाना चाहते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी केस स्टडीज पसंद आती हैं और भी सुनना चाहते हैं तो आप कुकू एफएम पर जाकर ऐसी ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, जरूर डाउनलोड करें। तो ये वीडियो तो काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे, आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना। और जो इतिहास है हम लोगों का, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ ये मिथोलॉजी है, ऐसा कुछ था नहीं, बस लिखा हुआ है और यू भी इसे लिखा हुआ था कि बढ़ा चढ़ा के अलग अलग चीज़ें जो है वो चल जाती है। और बहुत सारे ऐसे हिस्टोरियन हैं जो कि चाहते ही नहीं है कि आपका जो रामायण है, महाभारत है, ये जो बाकी इतने सारे ग्रंथ है उसको ये हिस्ट्री मान ले, वो चाहते हैं कि ये बस एक मिथोलॉजी रहे। और ये चीज़ें जो है ना आज से नहीं, बल्कि हम लोग जब आज़ाद हुए तब से, उससे पहले से, उसके पहले से अंग्रेज़ों ने ऐसी बहुत सारी कोशिश की कि इन सारी चीज़ों को दबा दिया जाए। उससे पहले आप देखोगे तो जो बाकी इन्वेजन्स थे उनमें भी यही काम किया गया कि ये सारे हिस्ट्री को दबा दिया जाए। लेकिन हाँ, हमें एज ए इंडियंस इस बात का ध्यान रखना चाहिए और इस पर गौर भी करना चाहिए कि ऐसी जो चीज़ें हैं उसे हमें समझना चाहिए, भले हम उसे रिवाइव करें या ना करें, लेकिन हाँ हमारे दिमाग में ये चीज़ें होनी चाहिए कि ऐसा जो आज लोग मिथोलॉजी कह रहे हैं वो हो सकता है कि हिस्ट्री हो, इस पर रिसर्च करनी चाहिए। और अगर ये सारे प्रोजेक्ट अगर साबित हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात रहेगा पूरे वर्ल्ड के लिए, जो कि पूरी वर्ल्ड मानती है कि जो लाइफ का पुनर्जन्म था वो बहुत ही लेटर ऑफ द हाफ शुरू हुआ, लेकिन अगर इंडियन सिविलाइजेशन देखोगे तो ये कहता है कि बहुत ही पहले शुरू हो चुका था। अगर ऐसा कुछ प्रूफ हो जाता है तो इसे पूरा वर्ल्ड का हिस्ट्री चेंज हो जाएगा। सो आप लोग क्या सोचते हो वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।
इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।